हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड, मैं भी ठीक हूँ, बट क्या ही बताऊँ फ्रेंड, 2 दिन से तबीयत और ज़्यादा ख़राब है क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया और सर दर्द कर रहा है। तो देखिए फ्रेंड, आज बहुत सारा काम पड़ा हुआ है जो कि अभी तक नहीं कर पाई हूँ तबीयत की वजह से। तो देखिए, इतना सारा बर्तन पड़ा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग, पूरा मतलब पूरा घर बिखरा हुआ है, एकदम गंदगी, गंदा दिख रहा है, अच्छा नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड चलती फिर सबसे पहले बर्तन साफ करूँगी, उसके बाद से सब साफ करूँगी। तो फ्रेंड, आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए और वीडियो फुल वॉच करना फ्रेंड। उस दिन बारिश में भीग के खाना बनाई थी फ्रेंड, उसकी वजह से तब से जुकाम पकड़ लिया है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम नाक दर्द हो रहा है। ये सारे बर्तन माँज लेती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए। तो फ्रेंड्स, अभी देखिए छत पे आ गए हैं, रहा बर्तन। और देखिए फ्रेंड, आज नीचे ही आटा गूंथ के लेके आई हूँ, जो कि आटा चिपक गया था अभी में तो निकल नहीं रहा है, मैं बाद में निकालूंगी। और फ्रेंड, सुबह बारिश हो रही थी बट शाम के टाइम मौसम अभी ठीक है, तो दोपहर को फ्रेंड कपड़ा धो कर डाली थी, जो कि बिट्टू का स्कूल का ड्रेस व्रेस था तो सूख चुका कि नहीं देखती हूँ, सूख गया है, थोड़ा थोड़ा गीला है तो सूख जाएगा थोड़ी देर बाद, तब तक मैं सारे काम कर लेती हूँ। और फ्रेंड, आप लोग सोचते होंगे इतनी सारी लकड़ियाँ क्यों, क्योंकि फ्रेंड बारिश होती है ना तो भीग जाता है, इसलिए 2-3 टाइम के लिए रख देती हूँ लकड़ी। और ये गोनी में गोईठी है जिसको ओपली बोला जाता है, हमारे इधर गोईठी बोला जाता है, बहुत सारे जगह तो गोहरा बोला जाता है इसको। तो चलिए फ्रेंड, अभी देखिए चूल्हे में आग जलाने के बाद आप लोग से मिलती हूँ, तब तक बने रहिए। तो फ्रेंड देखिए, चूल्हे में आग जला दी हूँ और एक गर्म पानी जो कि इसमें नमक मिलाई हूँ, तब इसको पीऊँगी क्योंकि गला बहुत ज़्यादा खुजली दे रहा है। अब पता नहीं नमक पानी पीने से आराम मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। फिर तवे के इधर अंधेरा लग रहा है तो चलती हूँ लाइट बाइट कर रही। तो फिर लाइट भी नहीं है, इतने ही उजाले से काम चला लेना पड़ेगा क्योंकि बाबू भी बाहर रो रहा है और मेरा बाल वाल देखिए सर दर्द कर रहा था, इसलिए बहुत ज़्यादा तेल लगाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी खाना बनाने के बाद आप लोग से मिलते हैं, तब तक बने रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी मैं खाना वाना बना के नीचे आ चुकी हूँ और बाबू को लगी है भूख। देखिए बिस्किट है फ्रेंड, तो जा रही हूँ बाबू को खिलाने। ओ देखिए, ओहो चलिए फिर माँ एकदम जिद करके इसको पहले खिला देती हूँ, उसके बाद आप लोग खाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी रात हो गया है और सभी लोग खाना वाना खा चुके हैं और मैं जितना भी रात का जो भी काम है फ्रेंड्स सारा कर चुकी हूँ। और देख सकते हैं इधर बर्तन पर मांजती हूँ, क्योंकि फ्रेंड रात को ही मांज देती हूँ, सुबह उतना टाइम नहीं रहता है, बच्ची स्कूल जाती है तो जल्दी खाना बनाना पड़ता है, सुबह 4 बजे से उठ कर काम कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, अगर जल्दी नहीं उठूंगी तो उन लोगों को भी देखना रहता है और बाबू का सुबह उठकर मालिश वालिश करना रहता है, बर्तन बहुत ही काम आता है। तो चलिए इधर बर्तन तो मैं ढक दी हूँ। और देखिए फ्रेंड, देख सकते हैं हम लोग कितना अंधेरा हो गया है, फ्रेंड 10 बज गया है और मैं अपने बच्चे लोग भी सो गए हैं तो पंखा बंद कर। तो फ्रेंड्स, पंखे की आवाज़ बहुत ही धीम कर दी हूँ और देखिए बाबू की सारी चड्डियाँ हैं, जो कि फ्रेंड्स क्या ही बताऊँ, धूप नहीं हो रही है बारिश की वजह से तो गीला था, तो पंखा चलाई थी तो इसलिए स्पीड डाल दी हूँ क्योंकि हवा लगेगा तो सूख जाएगा। तो चलती हूँ फ्रेंड्स, अभी दवा खाऊंगी, दवा खाने के बाद आराम करूँगी। सॉरी फ्रेंड्स,
आराम करने से पहले वीडियो अपलोड करूँगी, उसके बाद ही आराम करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग से एक सवाल पूछना चाहती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानिएगा और हमारे ऊपर उसको कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, मामूली सी बात, हमारे समझ में नहीं आता है, हमेशा सास को अपनी बेटी प्यारी लगती है और बहू सुई की तरह चुभती क्यों है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका जवाब। और फ्रेंड्स, मैं आज का ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।